एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सभी का जब भी ज्वाइनिंग आएगा ना, उस टाइम पे आप अपना होम टाउन अकाउंट भी आप दे सकते हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कहीं पर भी आपका अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास आपकी चेकबुक होनी चाहिए, क्योंकि कैंसिल चेक की कॉपी प्रान कार्ड अप्लाई करते हैं टाइम, साथ ही आपका DDO में भी आपकी उसकी ओरिजिनल जो कॉपी है होती है वो गैनी की आपकी सबमिट होती है। ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आपकी रहती है कि अगर आप अपने होम टाउन का अकाउंट दे रहे हो ना, तो उसमें क्या रहता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ऑलरेडी रहते हैं, चेकबुक रहती है, पासबुक रहती है, तो इजीली आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। नई जगह पे जाने के बाद नए अकाउंट खुलाओगे तो उसमें सबसे पहले एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, तो एड्रेस प्रूफ आप कहाँ से दोगे, या तो किसी फिर अपने ऑफिस में आप गजेटेड ऑफिसर से लिखवा के दो, सर्टिफाई करवा कि भाई आप इस एड्रेस में लेते, फिर उसके बाद प्रोसीजर दो, चेकबुक वगैरह आने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो उससे प्रोसीजर डिले ना हो इस वजह से आप होम टाउन वाला अकाउंट कर लो, बाद में जब चाहो तब आप चेंज करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक अकाउंट एक बार दे दिया तो हमेशा वो सैलरी अकाउंट रहेगा, जब चाहो तब चेंज करा सकते हो।